स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों अब तक हमने इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट बना ली है, कुछ प्रीफेब बना लिए है और यहाँ पर कुछ हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिए है, यहाँ पर हमने इमेज लगाई है, हमने यहाँ पे ग्रिड बना ली है। अगर ये सब कुछ आपने नहीं देखा है या आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे पिछले वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जब हम प्ले कर रहे हैं तो हमारा जो एरो है वो यहाँ पे स्पॉन हो रहा है, हमारा बॉल यहाँ पे स्पॉन हो रहा है और हमारा टारगेट भी यहाँ पे स्पॉन हो रहा है। ये एरो जो है वो बॉल के नीचे है। चलिए मैं बॉल को ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ पर अगर है तो उसका डिरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, उसका पॉइंट इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हम सेट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ इसका पॉइंट होना चाहिए, अगर यहाँ पर है तो इस तरफ इसका पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे बैंड अभी तक स्पॉन नहीं हो रहे हैं, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, स्पॉन मैनेजर स्क्रिप्ट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये एक फॉर लूप चलाया था जिसके अंदर हम बैंड को स्पॉन करवा रहे थे। ठीक है, तो लूप कब तक चलेगा, जब तक टोटल बैंड होंगे तब तक चलेगा। ये जो टोटल बैंड है वो यहाँ पे हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, पब्लिक इंटीजर है। तो अगर आप चाहे तो ये जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर ही इसको डिक्लेयर कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ये लूप चलने से पहले हम इसको बता देंगे कि टोटल बैंड कितने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल बैंड इज इक्वल टू, ये जो हमारा एरे है बैंड पोजिशन का एरे, उसकी जो लेंथ होगी वही हमारा टोटल बैंड होगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं बैंड पोज डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा, टोटल बैंड कितने पता चल जाएंगे। अगर इस एरे के अंदर चार बैंड है तो इसकी जो लेंथ है वो चार हो गई, तो यहां पे मिल जाएगा चार। तो आई जीरो से शुरू होगा लेकिन चार तक जाएगा नहीं, तीन तक जाएगा, यानी कि चार बैंड हमें मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लेवल ग्रिड होल्डर हमने बनाया था उसके अंदर हमने क्या किया था कि ये जो बैंड पोजीशन है पहले लेवल के लिए, यहाँ पर हमने एक टेम्पररी लेवल का नाम एक दे के ही रखा है जो कि मेन्यू मैनेजर में, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर स्विच केस हमने यूज़ किया, यानी कि कौन सा लेवल चल रहा है ये हमें पता करना हो, तो अगर यहाँ पे पहला लेवल हो तो इसके अंदर हमने यहाँ पे टारगेट की पोजीशन दी है 43 और जो हमारा स्टार्ट पोजीशन है यानी कि एरो उसकी पोजीशन हमने 3 दी है और बाकी के जो बैंड है यहाँ पे मैंने एक 17 दिया, एक 15 दिया, एक 32 और एक 25 दिया। तो यहाँ पे टोटल कितने बैंड हुए, 1 2 3 4। तो बैंड पोज कितने हुए, 4। तो यहां पर इसको मिल जाएंगे 4, इसकी लेंथ 4 मिल जाएगी। तो चलिए इसे मैं यहां पे सेव कर लेता हूं। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे 4 बैंड स्पॉन हो गए, एक यहां पे 17 पे, एक 15 पे है और एक 25 पे है और एक 32 पे है, जो कि हमने यहां पे बताया था 17, 15, 32 और 25। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से ये 32 के ऊपर नहीं रखना है या आपको 31 के ऊपर रखना है तो आपको सिंपली यहाँ जाके इसका नंबर चेंज कर देना है, 32 की जगह 31 आप कर देंगे। यहाँ पे मैं 31 कर देता हूँ, इसे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसको मैं फिर से प्ले करता हूँ। तो ये देखिए इस बार ये 31 पर आया और बैंड बिहेवियर हमने एक स्क्रिप्ट डाली थी उसकी वजह से ये देखिए ये कभी इस तरफ आ रहा है कभी इस तरफ आ रहा है। फिर से एक बार प्ले करते हैं, ये देखिए इस बार चारों के चारों इस तरफ आए। तो ये हर बार अलग अलग रहेंगे और अभी इसके ऊपर होना क्या चाहिए, जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए अगर मुझे यहां से बॉल शूट करनी है तो इस वक्त बॉल टकरा के इस तरफ जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, बॉल को इस तरफ भेजना है, फिर इसके बाद में यहाँ से इसको इस तरफ भेजना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, अब बॉल टकरा के यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद ये नीचे जाएगी इस तरफ।
तो ये मैं नहीं चाहता, मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरफ कर देता हूँ। तो अब बॉल यहाँ टकराएगी, यहाँ आएगी और यहाँ जाएगी। तो ये पहला हमारा लेवल था और एकदम बेसिक था, तो हमने ये इस प्रकार किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा ये सब कुछ। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या किया, किस प्रकार उपयोग किया है, वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। अगर आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया कि मैंने किस तरीके से किया है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू मैनेजर से बात करते हैं। मेन्यू मैनेजर के अंदर हमने एक यहाँ पे लेवल नेम दे के रखा है। लेवल नेम क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए कि आपका ये पहला लेवल इस प्रकार है, यहाँ पे मैंने दिखाया था जिस तरीके से कि यहाँ से बॉल टकराएगी, यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, ये रहेगा। अगला लेवल रहेगा उसके अंदर शायद टारगेट यहाँ पर हो और जो स्टार्ट पोजिशन है वो यहाँ पर हो और उसकी बैंड की पोजिशन कहीं अलग अलग हो। तो अगर आपने 100 लेवल बना लिए मान लीजिए, तो आपको हर बार ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा, ये सब कुछ एकदम। तो इसकी जगह पे मैंने किया कि इसको डायनामिक बनाया है। डायनामिक का मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ एक ही लेवल बनाना है और हर लेवल के हिसाब से अपने आप को डाल लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू मैनेजर के अंदर, यहाँ पे मैंने बेसिक बना रहे इसलिए इसको पहले से हमने नाम दे के रखा है लेवल 1। अब इसका इसके बाद में ये 2 हो जाएगा, इसके बाद में ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लेवल नेम इसका 4 हो जाएगा। तो ग्रीड होल्डर के अंदर यहाँ पर ये देखिए, ये डिटेल यहाँ से सेंड कर रहा है किसकी, लेवल की, कि अगर पहला लेवल है तो ये डिटेल सेंड करनी चाहिए, अगर दूसरा लेवल है तो मान लीजिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। तो अगर दूसरा लेवल है तो दूसरे लेवल के अंदर क्या होना चाहिए, जो हमारा टारगेट है स्टार्ट एरो जो है वो होना चाहिए मान लीजिए 5 के ऊपर होना चाहिए और ये 44 के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे ये जो 17 है उसकी जगह पे शायद 16 होना चाहिए या फिर यहाँ पर 25 होना चाहिए, यहाँ पे 33 होना चाहिए और यहाँ पे ये 22 होना चाहिए। एक और इसके अंदर डाल देते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा यहाँ से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 38 नंबर मैंने ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 38। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और गेम मैनेजर के अंदर जाके मैं यहाँ पे लेवल का नाम जो है वो मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ और ये जो लेवल नेम हमने यहाँ पे 2 कर दिया है। चलिए इसे ब्लैक, एक मिनट, ये अगर पब्लिक है तो एक काम करता हूँ इसको यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ और लेवल नेम यहाँ से कॉपी करके अवेक फंक्शन के अंदर इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अवेक फंक्शन के अंदर मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब इसे मैंने सेव कर लिया है, चलिए अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, टारगेट हमने 43 पहले लेवल में रखा था, ये यहां पर आ गया है, ये यहां पर आ गया है और यहां पर बैंड जो है वो भी 5 स्पॉन हो रहे हैं। चलिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये जो नंबर 2 है यानी कि केस 2, उसके अंदर क्या है, जो स्टार्ट एरो है वो 5 पे है, तो ये रहा ये 5 पे, और ये 44 पे है, तो यहाँ पे ये देखिए 44 पे है, और जो नंबर हमने यहाँ पे दिए थे वही नंबर यहाँ पे है। तो इस प्रकार क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही लेवल बनाना पड़ेगा और हर लेवल के लिए सिर्फ आपको इसी के अंदर यहाँ पे ही स्क्रिप्ट को चेंज करना है। आपको ये जो गेम मैनेजर है इसके अंदर यहाँ पे मैंने लेवल 2 यहाँ पे करके दिया है, वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हम डायनेमिकली कराएंगे। क्योंकि अगर सबसे पहले तो वो लेवल सिलेक्ट करेगा, अगर उसने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया है तो उसको दूसरा लेवल ओपन मिलेगा और तीसरा लेवल जो है वो उसको लॉक मिलेगा। दूसरा लेवल जब वो कंप्लीट करेगा तब वो तीसरा लेवल अनलॉक हो जाएगा, तीसरे लेवल पे जाएगा तब वो चौथा लेवल अनलॉक कर पाएगा और सबसे पहले बाय डिफॉल्ट उसको पहला लेवल जो है वो अनलॉक मिलेगा। तो पहला लेवल कंप्लीट करने के बाद वो दूसरे लेवल पे जाएगा, उस बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये गेम स्टार्ट होगी। लेकिन जैसे ही क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर मैसेज एक सेंड कर देंगे कि इसने दूसरे नंबर के ऊपर क्लिक किया है। मान लीजिए उसने 10 लेवल कंप्लीट कर लिए, अगर वो चाहता है कि पांचवें नंबर के लेवल को वापस खेलना चाहता है तो अगर वो पांचवें नंबर के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये पांचवें नंबर को खेलना चाहता है। तो पांचवा नंबर जो रहेगा
वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैंने ये किस प्रकार किया है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे ग्रिड होल्डर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन हमें देनी है, एंड पोजीशन यानी कि टारगेट हमें देना है, और बैंड पोजीशन जो है वो हमारा इंटीजर का एरे है उसके अंदर हम यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन पे बैंड आने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ से हम लेवल डिक्लेयर करते जाएंगे। अब क्या होगा कि ये वाली स्क्रिप्ट जो है आपकी वो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा कि कई सारे लेवल आप यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे सारे लेवल आपको लिखने हैं। बस ये वाली स्क्रिप्ट आपकी बहुत लंबी होने वाली है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी की जो ये स्क्रिप्ट है ये बाकी का काम संभाल लेगी। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी भी हमारे पास दो तीन काम बाकी है। जैसे कि यहाँ से ये हम गेम प्ले जब करते हैं तो एक तो जो हमारा एरो है वो अपसाइड ही दिखाई दे रहा है, बॉल को मैं हाइड करता हूँ, ये देखिए अपसाइड दिखाई दे रहा है, इसको हम रोटेट करवाते हैं। और जो बॉल है यहाँ पे स्पॉन तो हो गया है, लेकिन वो शूट करने के बाद ये यहाँ से यहाँ इस प्रकार जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं रहा है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको गेम को कंप्लीट कर लेना है, उसका एक मैं आपको सीधा सा रीजन दिखाता हूँ कि मैं अपना एक फोल्डर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी स्क्रिप्ट बना के रखी है मैंने, तो ये सारी स्क्रिप्ट अगर आप एक साथ में करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि आप कहीं पर फंस जाए और आपको पता भी ना चले कि एरर क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक जो हमने गेम बनाई है वहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई एरर आती है या कहीं पर भी आप अटकते हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एक और बात दोस्तों, मैं रात को 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऑनलाइन रहूँगा। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करेंगे तो मैं एनी डेस्क से आपका गेम का जो प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, देखूँगा क्या एरर आ रही है। अगर छोटी मोटी एरर है तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको सीखने को मिले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।